हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ तोरई और चने दाल की सब्जी। तोरई और चने दाल की सब्जी बनाना बहुत ही आसान है। आज मैं तोरई और चने दाल की सब्जी प्रेशर कुकर में बनाऊंगी, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाता है और इसमें किसी मसाले की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने ले लिया है 200 ग्राम तोरई, जिसे मैंने अच्छे से छील कर काट लिया है। कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा जीरा और यहाँ पर चना दाल मैंने ले लिया है। चने दाल को आपको सोख करके रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने प्रेशर कुकर को अच्छी तरह से गर्म कर दिया है। अब इसमें आप ऑयल डालें, 1 स्पून ऑयल डालें। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने दें। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें सबसे पहले जीरा डालें। अब इसमें कटी हुई प्याज ऐड कर दें, हरी मिर्च डाल दें। इन सबको अच्छी तरह चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई होने दें। अब आप देख सकते हैं, प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसमें कटी हुई तुरई डाल दें, चना दाल डाल दें, हल्दी और नमक भी डाल दें। नमक आपको अपने टेस्ट के अनुसार डालना है। इन सबको अच्छी तरह से मिला लें। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। छोटे कटोरी से आधा कटोरी पानी ऐड कर दें। अब आप देख सकते हैं, चना दाल तोरई सब अच्छे से मिल गया है। अब आपको प्रेशर कुकर को बंद कर देना है और 2 सीटी आने तक पकने दें। अब आप देख सकते हैं, हमारा तोरई और चने दाल की सब्जी बनकर तैयार है। अगर जब भी आपको बिना मसाले वाली सब्जी खाने का मन हो तो आप इसे बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।